चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि अभी 2 नंबर का पूछा जाता है। हम एकदम जो है बेसिक से लेकर के चल रहे हैं ताकि जो आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2691 का एचसीएम एंड एलसीएम निकाले तथा जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो है गुणनखंडन विधि से एचसीएम एंड एलसीएम निकालते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 26 है तो इसको जो है गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे तो ये जो है 13 मतलब बन जाएगा। 91 है इसको जो है 3 से भाग देंगे 3 से नहीं कटेगा ये जो है 7 से ले लेंगे बनेंगे 13 7 91। 26 को लिखेंगे 2 × 13 और 91 को लिखेंगे 7 × 13। एच सी एम होता है जो सब में उभयनिष्ठ हो उसका छोटा घात लेते हैं और एलसीएम उभयनिष्ठ हो उसका बड़ी घात और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको साथ साथ में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा दोनों में जो कॉमन हो रखा है 13 तो एलसीएम 13 हो जाएगा और एलसीएम जो होगा यहाँ पे 13 कॉमन है एक ही बार है दोनों में और बाकी जो 2 और 7 कॉमन नहीं है साथ साथ उसको भी गुणा कर लेंगे। इसको जो है गुणा करेंगे 7 से 7 × 14 और 14 से 13 में गुणा करेंगे 14 3 42 4 14 4 18 113। अब जांच करना है जांच कर लेते हैं इसका। सबसे पहले एलएचएस यानी दोनों संख्या का गुणनफल निकाल लेते हैं फिर आरएचएस में एलएचएस और आरएचएस का गुणनफल दोनों संख्याओं का यहाँ पे 26 और 91 को जो है गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करते हैं 26 से 1 में गुणा करेंगे 26 का 6 8 में 2 26 9 हो जाएगा 9 6 54 9 2 18 गुणा कर लेते हैं 6 9 54 2 9 18 5 23 234 और 2 236 फिर आरएचएस बराबर एलएचएस सॉरी आरएचएस बराबर एचसीएम गुना एलसीएम 13 एचसीएम आया है और एलसीएम इसका आया है 182। 13 से गुना करेंगे 13 × 26 13 8 104 और 2 106 6 8 10 और 13 10 23 ये भी 2366 है दोनों बराबर है इसलिए हम लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस या लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुना एलसीएम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट जरूर करें।